हमारी लैब नंबर 10 है। हमारे कोर्स के अंदर जो चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी हैं वो बेसिकली हमारा टॉपिक है रिलेशनल मॉडल के हवाले से, कि हम रिलेशनल मॉडल को कैसे डिप्लॉय करते हैं, उसके अंदर क्या क्या मेजर एलिमेंट्स होते हैं दैट यू विल कम अक्रॉस वंस यू आर कन्वर्टिंग एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन टू अ रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जी। एक जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो उसमें आ जाता है आपके पास रिलेशन का। सो रिलेशन को इन कॉमन टर्म्स हम टेबल भी कहते हैं। तो टेबल या रिलेशन, बेसिकली रिलेशन को टेबल इसलिए कहा जाता है कि जब हम उसे विजुअलाइज करें तो एसेंशियली इट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। तो ये टेबल जो बनाया जाता है ये एसेंशियली एक जो रिलेशन होता है इट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी फ्रॉम द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, कुछ तो बेसिक आपके टेबल ऐसे हो जाएंगे, कुछ रिलेशंस जो डायरेक्टली एंटिटीज़ की बेस पे बनेंगे, और कुछ फिर ऐसे होंगे जो बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया कि आपको ये पता है कि ये किसी एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो ये सारे जो रूल्स होते हैं ये तो हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से रिलेशनल मॉडल की कन्वर्जन्स में पढ़े हैं। वो चीज़ें अभी हम उस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे, बट टेबल का कॉन्सेप्ट जनरली क्लोजली रिलेटेड है एंटिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद आपके पास टपल्स आ जाते हैं। टपल हम कहते हैं जी एक टेबल के अंदर कोई जो एक रो है, कि यानी कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस जो आपके डेटा के रिलेशन के अंदर होल्ड करनी है आपने। इट कैन बी फॉर एग्जांपल कि एक खास स्टूडेंट का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, फिर आप फादर नेम के बाद उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसकी डिग्री प्रोग्राम, उसका सेमेस्टर नंबर, उसका CGPA, ये जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप इसको कहीं पे स्टोर कर रहे हैं सो दिस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ टपल। रिलेशन इंस्टेंस आ जाती है जी। फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो होता है, यानी कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ टपल्स जो आपके डेटाबेस में उस टाइम पे टेबल के अंदर मौजूद है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओवरऑल रिलेशन की इंस्टेंस को। और इसमें ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमने जो शुरू में या एंटिटी का जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेशनल मॉडल के अंदर, कि हमारे पास एक रिलेशन के अंदर एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वाले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी, आपके पास हमेशा यूनिक टपल्स होंगे। इवन इफ आपको मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सेम, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं और उनके नाम सेम हैं, उसका जो CGP है वो भी सेम है, उनका लेट्स से के उनकी क्लास सेम है, उनका जो कोर्सेज एनरोल्ड हैं वो नंबर ऑफ कोर्सेज सेम है, इस तरह की एक टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी है। सो अपेरेंटली इट लुक्स लाइक कि इनकी ये सारी इंफॉर्मेशन सेम है, बट इस टेबल के अंदर एक पूरे टपल को यूनिक बनाएगी इनके एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि दो डिफरेंट स्टूडेंट हैं तो उनके एनरोलमेंट नंबर ज़रूर डिफरेंट होंगे। फिर आपके पास वो जो डिफरेंट वाला एट्रीब्यूट है जिसने सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, उसको की एट्रीब्यूट कहते हैं, तो वो एक रिलेशन के अंदर होगी। उसको डिफाइन आप कर सकते हैं अगर आप यूनिक का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें, या इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर सिस्टमेटिक आप एक टेबल के अंदर प्राइमरी की भी बना सकते हैं उसको। अच्छा, इट इज़ पॉसिबल कि मल्टीपल ऐसे एट्रीब्यूट्स हों जिनके जो की एट्रीब्यूट्स हों, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप उसमें से किसी एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना दें और बाकी सब के अंदर इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पे भी यूनिक वैल्यूज़ रहें आप यूनिक का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें। फिर एट्रीब्यूट डोमेन आ जाती है जी। एट्रीब्यूट डोमेन सिंपली ये कॉन्सेप्ट है कि एक एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यूज़ अलाउड हैं। एक एट्रीब्यूट अगर है लेट्स से बर्थ डेट का, तो उसमें इट कुड बी कि आपने सिर्फ डेट का रिस्ट्रिक्शन लगा दियो कि डेट के अलावा कोई एट्रीब्यूट यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, कोई किसी और डेटा टाइप का एट्रीब्यूट यहाँ नहीं आ सकता। इट कुड ऑल्सो भी कि आपने उसकी डोमेन में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो कि अगर किसी कोई सिटीजन लेट्स से रजिस्टर कर रहा है या कोई स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा है और उसने डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, यू नो फॉर श्योर कि लेट्स से आज 2020 के अंदर कोई स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा है, तो यू नो फॉर श्योर कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कभी भी 2021 या उससे आगे वाली नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी समवेयर बिफोर टुडे।
आज की डेट से पहले की डेट होगी। फिर इट कुड बी कि अगर लेट्स से आपको इस तरह का रिस्ट्रेंट लगा देते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि उस बंदे की उम्र अभी 4 साल हो या 10 साल हो, सो आपने आज की डेट से 10 ईयर्स माइनस कर दिए और आपने कहा कि भाई 2020 में अगर कोई बंदा इनरोल कर रहा है, इस फॉर्म को फिल कर रहा है, तो एट मोस्ट भी इवन इफ इज ए इवन जीनियस, ही वुड हैव अ डेट ऑफ बर्थ गोइंग बैक एटलीस्ट 2010 या 2009। तो अब आपने एक उस पर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दिए कि ये चीज़ें जो हैं इस तरह से पॉसिबल हैं, तो आप उसके ऊपर डिफरेंट के टाइप के कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं डोमेन को डिफाइन करने के लिए। कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं जी आपके पास, एक आपके पास की का कंस्ट्रेंट है जो हमने बात की, फिर डोमेन कंस्ट्रेंट है, एंड देन वी हैव अ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट सिंपली आपके लिए ये इंश्योर कराएगा कि आपके एक टेबल में जो रोज़ हैं वो अगर किसी और दूसरे टेबल के रोज़ को रेफ़र कर रही हैं तो बोथ ऑफ दोज रोज़ मस्ट एग्जिस्ट। ऐसा ना हो कि एक टेबल में वो रोज़ दूसरे को रेफ़र कर रही हो बट दूसरे टेबल में वो रो एग्जिस्ट ही ना करती हो, वो टपल वहाँ से डिलीट हो चुका हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करता है आपका रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट आपके पास आ जाते हैं सिंपली कि आपने यूनिकनेस अप्लाई करनी है, उसके अलावा आप उसको इंश्योर कर रहे होते हैं फर्दर जब, तो आप कह देते हैं कि भाई ये नल नहीं हो सकता लेट्स से, क्योंकि इफ़ देर आर मल्टीपल रोज जिनमें नल वैल्यू हैं तो वो एक इशू क्रिएट हो सकता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी की। फिर उसके डोमेन कंस्ट्रेंट्स आप कैसे अप्लाई करते हैं हम देख चुके हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट को आप फॉरेन की भी कहते हैं एसक्यूएल की टर्म्स में, तो फॉरेन की जब आप अप्लाई करनी होती है तो वो कैसे यूज़ करते हैं, दैट वी हैव स्टडीड एक्चुअली इन द डीडीएल सेक्शन, के डीडीएल कमांड जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। अब ओके, बस लैब टास्क आ जाएगा जी। लैब टास्क इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने टेबल एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर को डीडीएल की कमांड यूज़ करके आप डिफाइन जब करेंगे तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए क्या डेटा टाइप्स होंगी, उन डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई करना है, रिलेशन को चेंज करना है उसके बाद आल्टर यूज़ करके डीडीएल की कमांड, और उसमें एक न्यू कॉलम ऐड करना है। देन यू विल यूज़ सम डीएमएल कमांड्स टू इंसर्ट अ फ्यू रोज, उसके बाद आप अपडेट की कमांड्स यूज़ करेंगे, बेसिकली ऑल दोज ऑपरेशन जो किसी एक रिलेशनल मॉडल के अंदर आपको यूज़ करने पड़ते हैं। फिर आप कुछ डिलीशंस करेंगे, उसके बाद आप एक नया रो क्रिएट, नया टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ फिल्टर्स और कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह अप्लाई करेंगे। सो दीज आर द प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क जो कि आज आपने करने हैं। वी विल बी ऑनलाइन एट द जूम एट एमएस टीम्स, ठीक है। इस पे आप लोग जब टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो हर बंदा जहाँ पे उसे कोई चैलेंज आता है वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करेगा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द क्वेरी आई हैव रिटन, मैं उस पर उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा ऑन द वॉइस, एंड इफ़ नीडेड वी कैन डिस्कस द क्वेरी फर्दर, ताकि एक हर इंडिविजुअल बंदे का जो प्रोग्रेस है उसको हम मॉनिटर कर सकेंगे किस बंदे ने किस जगह पे किस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं और उसको टैकल करने के लिए अकॉर्डिंगली हेल्प किया जा सके उसको। ठीक है जी, थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड।